क्या आपको पता है वाई रोट का मतलब होता है रट कर। जैसे अक्सर आप कहते हैं कि वह इंग्लिश रट कर बोलती है, या आपको ग्रामर रटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको कहना हो रट कर तो आप कहेंगे वाई रोट। जैसे वह हमेशा अपना लेसन रट कर याद करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ऑलवेज लर्न्स हिज लेसन बाय रोट। अगर आपको कहना हो कि मैं इंग्लिश रट कर नहीं सीखता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लर्न इंग्लिश बाय रोट, यानी मैं इंग्लिश रट कर नहीं सीखता हूँ। तो फ्रेंड, जब कभी भी आपको बोलना हो रट कर तो आप कहेंगे बाय रोट। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है मुफलिसी का जीवन जीना या तंगी भरा जीवन जीना, यानी एक ऐसा जीवन जीना जिसमें ज्यादा लग्जरी ना हो। जैसे अगर आपको कहना हो कि आमतौर पर टीचर्स मुफलिसी का जीवन जीते हैं या तंगी भरा जीवन जीते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टीचर्स जनरली लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी आमतौर पर टीचर्स तंगी भरा जीवन जीते हैं या मुफलिसी का जीवन जीते हैं। एक सच्चा साधु मुफलिसी का जीवन जीता है या तंगी भरा जीवन जीता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ ट्रू हर्मिट लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी एक सच्चा साधु मुफलिसी का जीवन जीता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को सीखा। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुफलिसी भरा जीवन जीना या तंगी भरा जीवन जीना। इन अ नटसेल, यानी इन ब्रीफ या इन शॉर्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्षेप में। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे संक्षेप में बताएंगे, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विल यू टेल मी इन अ नटशेल, यानी क्या आप मुझे ब्रीफ में या संक्षेप में बताएंगे। संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ या छोटा में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन अ नटशेल आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव नो मनी, यानी संक्षेप में या छोटा में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि इन अ नटशेल का मतलब होता है छोटा में, संक्षेप में, यानी इन ब्रीफ या इन शॉर्ट। आइए अगला वर्ड देखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर या वक्त वक्त पर। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह समय समय पर मुझसे मिलने आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही केम टू मीट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वह समय समय पर मुझसे मिलने आया। वह समय समय पर बिल चुकता किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही पेड बिल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वह समय समय पर बिल चुकता किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर। आइए अब अगला वर्ड देखते हैं। इन द वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है की कमी के कारण या की कमी के वजह से। जैसे अगर आपको कहना हो कि लोग अनाज की कमी के वजह से मर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीपल आर डाइंग इन द वॉन्ट ऑफ ग्रेन। अगर आपको कहना हो कि लोग दवाइयों की कमी से मर रहे हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पीपल आर डाइंग इन द वॉन्ट ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों की कमी के वजह से लोग मर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।